से यहाँ आके हम सबका इतना प्यार देख के हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं आपकी सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करना चाहूंगी। और आपने हमेशा अपने इस क्षेत्र के अंदर जब भी आना हुआ है, जब भी आपसे मुलाकात हुई है, आपने प्यार में अपने कमी नहीं छोड़ी, उसके लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। भिलारा के ये सब लोग जो इकट्ठा हुए यहाँ, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अब आज से अभी दोपहर से हम लोगों ने मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर एंट्री की है। यहाँ से ये 5 बार सांसद, 6 बार केंद्रीय मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री, तो मैंने ये सोचा और कोई भी ये सोचेगा कि इतने बार रहने के बाद लगातार ऐसी स्थिति में रहने में जहाँ इन्होंने लोगों का काम कर सकते थे, तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु मैं देख रही हूँ, और अभी मैं भिलाड़ा में अंदर आई थी तो मैंने पहले ही पूछा कि पानी की क्या स्थिति है, तो मेरे को ये बताया कि भिलाड़ा के 64 ट्यूबवेल से पानी जाता है जोधपुर शहर के अंदर। ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये कह गया था कि भिलाड़ा का भी इंतजाम होगा, पर मैंने पूछा इतने दिन हो गए कि भिलाड़ा का कोई इंतजाम हुआ है कि नहीं, तो सबका कहना था कि हम लोगों को फ्लोराइड पानी पीना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी हो गई है, और अगर किसी को मीठा पानी चाहिए तो उसको मीठा पानी खरीदना पड़ता है। आज ये स्थिति हमारे साथ हो गई। मैं उन्हीं पाइपलाइन से, जिन पाइपलाइन से हिमालय का पानी अब तक आना था, आपको ये वादा कर दिया गया था कि आप चिंता मत करो, हिमालय का पानी आप तक लाएंगे। आज 33 वर्ष हो गए, हिमालय का पानी पहुंचा क्या? 33 वर्ष के बाद जो लोग अपने जबान के ऊपर, जो अपनी जबान देते हैं और उसके ऊपर अडिग नहीं रह सकते, क्या ये लोग सरकार चला सकेंगे? क्या ये लोग किसी भी तरीके से हमारे प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जा सकेंगे? मैं आपसे ये पता करने आई थी, इस भिलाड़ा के पेयजल संकट के लिए आप लोगों ने जब हमारी सरकार आई और दोनों एमएलए आपने यहाँ से भेजे, तो सबसे पहले आपने मेरे को ये कहा कि हमारी जान तो तब बचती है जब आप हमको यहाँ मीठा पानी पिलाते हो। तो हमने उसको निजात देने के लिए 308 करोड़ की माणिक लाल दांतीवाड़ा पेयजल योजना स्वीकृत की, जिससे भिलाड़ा पीपार शहर सहित 119 गांव इनको प्यास बुझाने का काम हम लोग कर रहे थे। पैसों का भी पूरी तरह से इंतजाम हो गया था, लेकिन सरकार बदल गई इसलिए काम आज तक भी पूरा नहीं है। लगता है कि आखिर में इस काम को हम ही लोगों को पूरा करना पड़ेगा, ये नहीं कर पा रहे। आपको याद होगा जब यहाँ जोरदार पानी पड़ा था और यहाँ जसवंत सागर जब टूटा, आपकी जसवंत सागर बांध की मरम्मत कराने की बात उठी, वो टूटा भी था, तो उस समय 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करके हमने जसवंत सागर बांध की भी मरम्मत करवाई थी। और मैं समझती हूँ कि पानी का काम भी आप लोगों का वो पूरा हो जाता है। पूरे इलाके के अंदर हमने पानी की लाइनें को बिछा के जगह जगह पे पानी पहुंचाने का काम किया, जो मैं मानती हूँ कि 33 साल इतना टाइम आप लोगों ने इनको दिया हुआ है। ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए थी कि जोधपुर के लोगों को अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए किसी से लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, परंतु आप आखिर में ये स्थिति हो गई है। और मैं तो आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि आज बिजली की भी अघोषित कटौती चल रही है। यहाँ किसान भाइयों से पूछना चाहूंगी, आप मेरे को ये बताइए कि बड़े बड़े कस्बों के अंदर तो 15 से 16 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सिंगल फेज की बिजली बड़ी मुश्किल से 10 घंटे पहुंच रही है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्षेत्र की 55% आबादी अब खेत पर है, परंतु कुएं के ऊपर कनेक्शन देने का काम इन लोगों ने आज दिन तक किया है क्या? किसी को मिला है क्या वहाँ कुएं के ऊपर कनेक्शन? नहीं है। इसी तरीके से माताएं बहने, जो बिजली की लाइन आप लोगों के लिए अलग से निकाली थी मैंने, और मैंने सोच के निकाली थी कि आप लोगों को घरों के अंदर ठंडक भी होगी, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक बल्ब भी मिलेगा, तो जब उनके परीक्षा का समय आ जाए
20 घंटे मिलना चाहिए। जब मैं निकली यहाँ से तो 18 से 20 घंटे बिजली आप लोगों को मैं दे रही थी, और मैं ये जान गई हूँ कि अगर हमारी सरकार आ जाती है, और जब आ जाती है तो उस समय हम लोग अपनी महिलाओं को सिंगल फेज की बिजली 24 घंटे घरों के अंदर देने का काम करेंगे। ये हमारी सब महिला को मैं कह के यहाँ जाना चाहती हूँ। आपके यह रेफरल हॉस्पिटल है, उसमें 13 स्थान की जगह में सिर्फ एक डॉक्टर चला रहा है। मालूम नहीं वो बेचारा आदमी ये सब इतने सारी जनता को किस तरह से संभालता होगा। पिछले दिनों में जनता के विरोध के बाद 3 डॉक्टर को भेजा गया डेप्यूटेशन पे, क्या ये सही है? इन लोगों ने ज्वाइनिंग की, पर ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद लौट गए, तो इसलिए जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी है। और सर्जन, MD, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, शिशु और स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये कोई भी नहीं है। क्या अस्पताल है जिसमें कोई डॉक्टर ही नहीं है? और कहा IV अस्पताल ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग थी, वो भूल जाइए, कुछ होना जाना है सरकार के अंदर नहीं है। मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि जो जयपुर के अंदर सुनने को मिलता है कि आप लोगों को मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई हो रही है, जब एक डॉक्टर है और इतनी सारी जनता है, तो मैं नहीं समझती कि किसी को मुफ्त दवाई या मुफ्त जांच हो रही होगी। हो रही है कि किसी की, किसी को मिला है मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई? इतना ही बता दो, किसी को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहा है क्या? कोई है ऐसा BPL परिवार का जिसको 55,000 रुपए किस्त में जो मिलना था मिल गए? क्योंकि मैंने देखा कि एक किस्त मिल जाता है, परंतु दूसरे किस्त में जब तक आप लोग रिश्वत नहीं लोगे तब तक पूरे किस्त कंप्लीट मिलते नहीं है। और अगर 55,000 रुपए में से 12,000-10,000 रुपए निकाल लेते हो तो आगे चल के 40,000-45,000 के अंदर कौन कोठरी बना सकता है, कौन कमरा बना सकता है? ये तो कोई नहीं हो सकता। और फिर BPL परिवार, आज ये समझ में नहीं आता कि BPL परिवार तो है कौन, क्योंकि जो लोगों के पास सब कुछ है वो तो BPL, और जो बेचारे बिल्कुल ही गरीब हैं, उनको बेचारों को BPL के अंदर एंट्री मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी स्थिति सरकार ने करके छोड़ दी, उन बेचारे गरीबों का कुछ होता नहीं और कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अभी अभी मैं देख रही थी आपके क्षेत्र के अंदर सरकारी स्कूल के अध्यापकों की जोरदार कमी है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के सामने बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने जय सब्जेक्ट के टीचर की कमी के कारण और उस स्कूल के ऊपर ताला जड़ दिया था। ये अभी अभी हुआ है, ज्यादा दिन पहले नहीं है। क्षेत्र में प्रतिदिन किसी न किसी स्कूल के ऊपर ताला जड़ जाता है, और इतनी सारी घटना होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने यहाँ कॉलेज खोलने की घोषणा भी कर दी। पुराने कॉलेज के अंदर व्याख्याता के रिक्त पद पड़े हैं, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नया कॉलेज में लेक्चरर आएंगे तो कहाँ से आएंगे? पुराने कॉलेज के अंदर तो हम भर नहीं सकते, और ये नए कॉलेज के अंदर हमने घोषणा कर दी तो लेक्चरर आए तो सही, मैं तो नहीं देख रही कहीं भी। मैं सब अपने भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि रोजगार के लिए हमने अपने समय के अंदर पूरी तरह से ये कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को नौकरियां लगे, तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी हो, वो हमने अपने बच्चों को दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर कम से कम लोगों को नौकरियां मिली है, ज्यादा लोगों को नहीं मिली है। और आजकल ये टैक्स जो है इसको बात समाप्त, मैंने सबको ये कहा कि इस टैक्स का हम लोग प्रबंधन करेंगे, और RPSC के द्वारा जिस तरीके से हम लोग पहले आपको नौकरी दिलवाया करते थे उससे ही आप लोगों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों के बीच में कोई रुकावट नहीं हो। ये मैंने अपने बच्चों को भी कहते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिलना जरूरी है। आप ये नई स्थिति होनी चाहिए कि 2000 पटवारी की नौकरी मिले और 12 लाख लोग उसका आवेदन करें, ऐसी स्थिति राजस्थान में फिर नहीं होनी चाहिए। ये मैं सब देखती भी रही हूँ, सुनती भी रही हूँ, और अब कोशिश करूंगी अपनी सरकार आई तो अपन लोग इसको होने नहीं देंगे। अपने बच्चों को नौकरियों का इंतजाम करना ये जरूरी है। क्षेत्र की सड़क, अभी मैं 7 संभाग के अंदर घूम के आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि कहीं भी एक ऐसी सड़क नहीं है जो पूरी तरह से उसकी मरम्मत हो गई हो। गांव के अंदर, गांव के आजू बाजू ऐसी जर्जराती हुई सड़कें हैं कि आप ये मान के
चलिए कि गड्ढे ज्यादा सड़क कम, और अगर आगे आगे सड़क बनती जाती है तो पीछे पीछे सड़क फूटती जाती है, उसमें गड्ढे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति मैंने अपने आंखों से देखा है और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ की सड़कें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बिलाड़ा शहर की सड़कें भी खराब पड़ी हुई है, नगर पालिका की अनदेखी और सफाई की व्यवस्था गंदी से गंदी। हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ सीवरेज लाइन डालने के लिए 5 करोड़ की घोषणा करके गए, लेकिन जैसे आज तक होता रहा है, घोषणाएं तो होती है परंतु उसके पीछे कोई काम होने का सवाल ही नहीं है और ना इसके लिए कोई काम हुआ है। और हमारी सरकार ने तीवार के सामुदायिक अस्पताल को 100 बेड तक करने की स्वीकृति जारी कर दी थी, परंतु इनको इतना ही करना था कि उसको आगे बढ़ा देते, वो तक नहीं करने की तैयारी। मैं अब आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, ये सब काम आपको देखने को मिला। हमारे किसान दुखी क्योंकि उन लोगों को सही समय के ऊपर न पानी न बिजली न खाद न बीज कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी महिलाएं दुखी क्योंकि हमारे महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार होते रहते हैं। हमारी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, और मैं मानती हूँ कि जो परिवार अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता वो परिवार आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि हमारी इज्जत हमारी महिला है, और हमारी अपनी महिला को इज्जत देके उनको अपने पैर पे खड़ा करके उनको सुरक्षित रखने का काम जिस दिन हम कर पाएंगे उस दिन राजस्थान आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इसी के साथ साथ आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी है कि अब हम लोग एक नए राजस्थान का सोचें। हम लोगों ने 63 साल निकाल दिए जिसमें से 53 साल हमने कांग्रेस को दिए और लगातार कांग्रेस को दिए। वहाँ गुजरात के अंदर आपने 15 साल दे दिए तो देख लीजिए कि गुजरात का कैसा काया पलट हुआ। आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, मध्य प्रदेश कैसा बदल गया, और राजस्थान को देख लीजिए कि आप गड्ढे में कैसे पड़े हुए हैं और गड्ढे नहीं रहेंगे जब तक ये सरकार अपने साथ उस तरीके का व्यवहार करती है। इसलिए आप लोग सबको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी सोचना शुरू करो। एक नया राजस्थान हम लोगों को मिलकर बनाना है, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर बेईमानी नहीं, जिसमें हमें स्वाभिमानी और हमारे इज्जतदार लोगों को खड़ा करने का हम लोग काम करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग तैयार हो सरकार बनाने के लिए? अगर आप तैयार हो, ऐसी सरकार बननी चाहिए जो जो कहती है वो जमीन के ऊपर करके दिखाती है। भाई देख लीजिए कि इस वित्तीय वर्ष में 75,000 कृषि कनेक्शन आप लोगों को मिलना था, आपको दिए गए 13,000। इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव को विद्युतीकृत करना था, किया 8, सिर्फ 8 गांव। आपके इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने थे और दिए सिर्फ 6,000। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर इस रेट पे आप लोग बढ़ोगे तो राजस्थान तो इस कछुआ चाल के अंदर कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज ये देखने को है आपको, ये सबके सामने है, कहीं से किसी से छिपी बात नहीं है। और इसी तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंत्रियों ने फोन करना शुरू करा कि देखते हैं कि वाकई में गड़बड़ है कि नहीं। तो एक मंत्री ने ये तय किया कि मैं फोन करके पता करूंगा कि मुझे ट्रांसफार्मर कितने टाइम में मिलता है। हमारे समय में आप लोग सब जानते हैं कि 72 घंटे के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर दिया करते थे, अब आपके 72 दिन के लगते हैं और वो भी रिश्वत के बिना आपको नहीं मिलेगा। राजस्थान में किस तरीके से जम गया है भ्रष्टाचार, उसको देखने की बात है। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए किसे पैसे मांगे जाते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझते हो। तो मंत्री ने टेलीफोन करके ट्रांसफार्मर बदलने की जब बात कही तो बिजली विभाग के जो लोग थे उन्होंने रिश्वत मांगा, तो मालूम पड़ गया मंत्री को भी कि क्या हालत उनके यहाँ है। पर उसको सुधार नहीं सके क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है, पूरा ढांचा बैठ गया है। इस ढांचे को उठाने का काम जब तक इस सरकार को अपन नहीं हटाएंगे तब तक अपन कहीं भी मिलकर नहीं कर सकते हैं। इस चीज को अपने को ध्यान देना है। हमारी माता बहनों की इज्जत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ये सरकार क्या करेगी। हमारे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, आपने मिड डे मील के अंदर देख लिया बिहार के अंदर 22 लोग बच्चे मर गए, और यहाँ रोज रोज हमारे मिड डे मील के साथ कोई ना कोई खिलवाड़ होता है। हमारा पूरा मंत्रिमंडल जहाँ जाता था वहाँ बच्चों के साथ भोजन करता था, ये पता करता था कि क्या ये बच्चे सही भोजन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके भोजन के अंदर सांप, छिपकली, चूहे एक नहीं मिले। आजकल यही मिल रहा है उनके भोजनों के अंदर। अच्छा पोषाहार मिले तो हमारा बच्चा बड़ा होगा, अच्छी तरह से पढ़ पाएगा। ऐसी स्थिति हमें बनाने की जरूरत है। तो मिड डे मील के अंदर आज जो राशि मिल रही है 3 रुपया, इस 3 रुपए के अंदर क्या भोजन दे सकते हो भाइयों? मैं इसलिए पता कर रही थी तो मालूम पड़ा कि 96 करोड़ रुपया सिर्फ पोषाहार के लिए अलग पैसा रखा गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये भोजन के अंदर तो मेरे को दिखाई नहीं देता, तो ये 96 करोड़ रुपया गया तो गया कहाँ, किसके पास गया, कौन जिम्मेवार है और क्यों नहीं बच्चों के लिए लगा, ये पूछने वाली बात है। और मैं इसलिए बार बार आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं सब लोगों को ये कहती हूँ कि आज कर्मचारी भी दुखी है। राजस्थान में कर्मचारी आंदोलन करे जा रहा है। मैं मानती हूँ कि वो भी इस समाज और सरकार का एक बहुत चुस्त दुरुस्त अंग है। मुख्यमंत्री से उनको कम से कम इन लोगों से बात करनी चाहिए, इनको सुनना चाहिए। रास्ता कर्मचारियों को प्रताड़ित करने से नहीं, उनको विश्वास में लेने से ही निकलेगा। और मैं समझती हूँ कि उनको ये करने की जरूरत है। आज मैं आप लोगों से बच्चों से याद दिलाऊंगी कि बेरोजगारी का भत्ता निकला है। और बेरोजगारी का भत्ता हमारे समय में 1 लाख रुपया हम लोग दिया करते, हमने जिनकी आय 1 लाख रुपए होती थी उनको दिया करते थे। मैंने कई साल उसको चलाया और करीबन 1,38,000 बच्चों को उनका फायदा मिला। हमारी कोशिश ये थी कि वो अपने पैर पे खड़े हो सके, अपने माता पिता के ऊपर बोझ न बने, इसलिए बहुत अच्छी स्कीम थी। पर मैंने देखा कि सरकार आते ही उसने इसको बंद किया। अब चुनाव आते आते टाइम में उन्होंने धीरे से उसको चालू कर दिया। और अभी मैं देख रही हूँ अनाउंसमेंट ये हुआ कि भैया आए 1 लाख रुपए की नहीं बट 2 लाख तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से हम लोगों को लुभाना है और लुभा के हम उनके वोट को पाना है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 33 साल मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, 33 साल जो रेलवे लाइन नहीं आ सके वादा करने के बाद, जो मीठा हिमालय का पानी आप लोग तक नहीं पहुंचा सके इतने दिनों बाद, क्या ये सब वादे जो आपको किए हैं वो कहीं पूरा कर सकेंगे? 4.5 साल नहीं कर सके, नई बात को नहीं ला सके, ये 4 महीने में क्या बदल के आपको रख देंगे, मेरे को समझ में नहीं आता। हर चीज के लिए पैसा, आपको लुगड़ी चाहिए तो पैसा ले जाइए, लैपटॉप के लिए पैसा, भोजन के लिए पैसा, हर चीज के लिए पैसा। और मैं सबको ये कहती हूँ कि आप पैसा जरूर लो, क्योंकि ये तो है ही आपका पैसा, और आप नहीं लोगे तो इनके काले धन में वो जमा हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप पैसा ले लो, परंतु आखिर में याद रखना कि समय आपका है, नया राजस्थान बनना है। और अगर ये नया राजस्थान बनना है जो गुजरात, जो मध्य प्रदेश और आने वाले आगे जो हमारे प्रदेश है उनकी श्रेणी में अगर राजस्थान को जाना है, विकसित प्रदेशों की श्रेणी में अगर उनको जाना है, तो फिर इस सरकार के साथ हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो उनको 50-50 साल के बाद भी किसी भी तरीके से विकास की कल्पना नहीं है। ऐसे लोगों को आगे रखने से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मैंने आप लोग सबको ये कह दिया कि मेहनत करनी पड़ेगी, एक आदमी मेहनत नहीं कर सकता, हम लोग सबको मिलकर करना पड़ेगा। आप लोगों को गरीब रखने में, संपन्न नहीं होने देने में कांग्रेस का आज दिन तक फायदा रहा है। आप लोगों को गरीब रख के आपसे कोई मांग नहीं ले, आपकी मांग को पूरा नहीं करे और आपसे वोट आराम से ले जाए, इस तरीके से 50 साल उन्हें निकाल दिए। अब हमारा आपको कहना है कि एक दूसरे के झगड़े के अंदर नहीं, परंतु एक दूसरे के साथ एक बिल्कुल अलग किस्म का अब वातावरण बना के विकास को छेड़ने की अब आपको जरूरत है। सब 36 के 36 कौम और सब मजहब एक साथ मिल के चलेंगे, प्यार की डोर से बंध के चलेंगे और तय करके चलेंगे कि भाई हमको राजस्थान, एक नया राजस्थान, एक विकसित राजस्थान बनाना है। तो एक समृद्ध, एक खुशहाल, एक ऐसा राजस्थान जिसमें स्वाभिमानी लोग, जिसमें इज्जतदार लोगों को आगे बढ़ाने का काम और एक प्रदेश को ऐसा आगे बढ़ाने का काम हम लोग मिल के करेंगे। तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि विकास आपका होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बस आप तैयार हो क्या? आप तैयार हो क्या? अगर आप तैयार हो तो तय कर लो, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, उनकी बातों में अपने को नहीं आना है। अपने को ये तय कर देना है कि ये अपना ये आखिरी चांस है और इस आखिरी चांस के अंदर अपने को तय करना है कि पूरा परिवार आगे मिलकर साथ चलेगा।
और अगर है तो एक मेरे साथ जोरदार नारा दीजिए, जय जय राजस्थान। फिर से जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और हम लोग साथ मिलके वो नया राजस्थान बनाए। मंजूर है? मंजूर है? Oh,